सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मिने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डॉक्टर रिलेशन या डॉक्टर होल्ड क्या होता है और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आई थी कि भाई डॉक्टर होल्ड या डॉक्टर रिलेशन के लिए हमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दो। भाई, सबसे मेन रहता है आपका डॉक्टर रिलेशन। अगर इस फील्ड में आए और आपका डॉक्टर रिलेशन या डॉक्टर होल्ड ही नहीं है ना, तो फिर आप भाई ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कैसे होता है अभी डॉक्टर रिलेशन, डॉक्टर होल्ड क्या होता है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मतलब गलत फहमी रहती है कि भाई कोई डॉक्टर उनका प्रोडक्ट लिख रहा है मतलब वहां पे उनका डॉक्टर रिलेशन अच्छा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे। अभी बात करते हैं भाई डॉक्टर रिलेशन या डॉक्टर होल्ड एक्चुअल में होता क्या है। आप किसी डॉक्टर का कॉल किया, आप अकेले हो या मैनेजर के पास हो, मतलब आपके साथ कोई मैनेजर हो, है ना, तो आप वहां पे कॉल करते हो। तो डॉक्टर ने अगर ये नहीं बोला कि नितिन ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ आपके कारण लिख रहा हूँ, आपकी कंपनी के कारण नहीं लिख रहा हूँ, अगर डॉक्टर आपसे ये नहीं बोले, देखो हर डॉक्टर तो बोलेगा नहीं, पर टेरिटरी में कम से कम 10% डॉक्टर आपको ये नहीं बोले कि नितिन मैं सिर्फ आपके कारण आपके ब्रांड लिख रहा हूँ, आपकी कंपनी के कारण नहीं लिख रहा हूँ, तो ये मान के चलिए दोस्त, अगर कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता ना, तो आपने फील्ड से पैसे के अलावा कुछ नहीं कमाया यार, मैं तो क्लियर बोलूंगा आपको। अभी कुछ कुछ लोग रहते हैं भाई कि जिनका के डॉक्टर अच्छे से ब्रांड लिख रहा है, तो वो सोचेंगे कि यार मेरा डॉक्टर रिलेशन अच्छा है। पर नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कंपनी की इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटी होती है, कुछ ब्रांड डॉक्टर के पेन पे ऑलरेडी आ जाते हैं, तो वो ब्रांड चलते रहते, कुछ बड़ी कंपनी रहती है उसके कारण डॉक्टर ब्रांड लिखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तो उसको हम कभी भी डॉक्टर रिलेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप गए तो फिर भी डॉक्टर वो कंटिन्यू वो ब्रांड लिखेगा, इसका मतलब कि आपके थ्रू कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जब होता है कि भाई आपने कंपनी छोड़ी और डॉक्टर ने वो कंपनी का ब्रांड स्टॉप कर दिया और आप जो भी नई कंपनी में आए उसका ब्रांड स्टार्ट कर दिया, ये होता है एक्चुअल डॉक्टर रिलेशन। अगर इस फील्ड में आपने ये नहीं कमाया ना दोस्तों, तो भूल जाओ कि भाई आप ABM बनोगे, RBM बनोगे, इंसेंटिव कमाओगे। तो हमेशा से ट्राई करें कि भाई ये जरूर आपको आना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ कि डॉक्टर रिलेशन तो मैंने बता दिया, डॉक्टर होल्ड तो मैंने बता दिया कि भाई क्या होता है, डॉक्टर होल्ड को बढ़ाना कैसे। तो देखो, डॉक्टर होल्ड को बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ, ये हमारा लास्ट वीडियो नहीं है दोस्तों, अभी हमने स्टार्ट किया। डॉक्टर रिलेशन बहुत बड़ा होता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद हम अगले वीडियो जो आएंगे स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, डॉक्टर को कभी भी बिजनेस के नजरिए से मत देखना, मतलब कि डॉक्टर को ये टारगेट मत करना कि ये मेरा 3000 का डॉक्टर है, मेरा 5000 का डॉक्टर है, इसको मैं इस विजिट में इतने सैंपल दूंगा, अगली विजिट में दूंगा। कभी भी डॉक्टर को बिजनेस के नजरिए से अगर आपने देखा, तो वो भी आपको बिजनेस के नजरिए से देखेगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, देखो मेरे साथ होते रहता है, वो मैं ये बताता हूँ। हम कई बार, काफी लोग रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज वगैरह आती है कंपनी की, वो लेके डॉक्टर के पास जाते कि सर ये एक्टिविटी है और हमें इतना इतना बिजनेस आपसे चाहिए, है ना। तो डॉक्टर सोचता है कि यार ये तो बिजनेस के हैंड हो गया कि भाई इतना मैं से रिटर्न मांग रहा हूँ और ये मेरे को देख रहा है, तो डॉक्टर बहुत सारे टाइम मना कर देंगे कि यार अभी स्पेस नहीं, आगे देखता हूँ। अभी मेरे कंडीशन में बहुत सारे टाइम ऐसा होता था, देखो जहाँ पे रिलेशन नहीं रहते वहाँ पे मेरे साथ भी सेम चीज होती थी, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी जहाँ रिलेशन रहते थे वहां में वो एक्टिविटी लेकर डॉक्टर के पास जाता था, तो बोले अच्छा नितिन ये ब्रांड है, ठीक है यार मैं प्रिस्क्राइब कर दूंगा। मैं बोलता हूँ सर ये हमारा कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी, अरे तू देख लेना बाद में जो भी हो करा देना, मैं तो तेरा ब्रांड लिखूंगा। तो ये मेरा एक्चुअल अर्निंग था फील्ड से, ये मेरा एक्चुअल रिलेशन था फील्ड से। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई हो कि किसी भी डॉक्टर को हमको बिजनेस के नज़रिए से नहीं देखना है, हमें उनको किस नज़रिए से देखना है, एक रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन हमें वहाँ पे डेवलप करना है। तो डॉक्टर से उस तरीके से जब आप बात करोगे ना, तो फिर एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं रहती भाई। और अभी तो मार्केट ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास कोई एक्टिविटी भी है ना, जब तक आपके रिलेशन नहीं है तब तक एक्टिविटी भी काम नहीं करी, क्योंकि सभी कंपनी अभी एक्टिविटी कर रही है भाई। तो जब तक, अब जिन लोगों को ये नहीं पता भाई एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ प्रमोशनल इनपुट्स वगैरह डॉक्टर को दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह दे सकते हैं, सारी चीजें एक्टिविटी के अंदर ही आती है। जब कंपनी डॉक्टर को उनके ब्रांड लिखाने के लिए कुछ भी चीजें देती है, कुछ भी आर्टिकल देती है, कुछ इनपुट देती है, हाई वैल्यू इनपुट देती है, उसको हम एक्टिविटी मान सकते हैं। कुछ ट्रिप्स वगैरह देती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह देती है, बहुत सारी चीजें रहती है, कुछ करती है कंपनी डॉक्टर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं भाई एक्टिविटी। तो मैंने क्या बताया कि पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डॉक्टर को बिजनेस के नजरिए से कभी मत तोलना दोस्तों। देखो, क्योंकि जब तक आप बिजनेस के नजरिए से देखोगे
तो डॉक्टर भी आपको वैसे ही देखेगा, आपने जहाँ पे आपकी एक्टिविटी बंद हुई वहाँ पे आपका ब्रांड बंद हो गया। अगर आपके रिलेशन है ना तो आपकी एक्टिविटी डिले भी हो जाती, नहीं भी होती, तो आपका ब्रांड वहाँ पे कभी भी बंद नहीं होगा। तो नंबर वन चीज़ हमेशा याद रखना है, सबसे ज़रूरी है। अभी दूसरी चीज़ देखो, इससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ था दोस्तों जब मैं हेट्रो हेल्थ केयर में था। हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एक डॉक्टर है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बार क्या हुआ कि मैं उनको, मतलब मुझे 3-4 महीने हो गए थे और मैं हर बार कॉल करने जाता था और उनको प्रॉपर बहुत सारा सैंपल में दे के आता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था और सैंपल इतने आते भी थे। तो भाई मैं ऐसा नहीं कि जो प्रिस्क्राइब करे उन्हीं को देता था, सभी को देता था क्योंकि कंपनी इतना सैंपल प्रोवाइड करती थी। तो अभी क्या हुआ, एक बार उनको वो ब्रांड की अर्जेंट नीड थी, है ना, उसका कॉम्पिटिटर की नीड थी, तो उन्होंने जिस जिस कंपनी का लिख रहे थे वो MR को फ़ोन लगाया कि मुझे ये ब्रांड चाहिए आपका। रात को कुछ 10 बज रहे थे, उनके लड़के को कुछ फीवर वगैरह था, तो वो जो जिस कंपनी का लिख रहे थे वो लड़के ने बोल दिया सर अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं सुबह आऊँगा। तो डॉक्टर ने मुझे 10:30 को फ़ोन किया था कि मुझे नितिन अगर पॉसिबल हो तो यार ये दे दो। तो मैं उस टाइम पे घर से बाहर था, मैं वहाँ पे नहीं था, मतलब मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैंने बोला ठीक है सर, मेरा जो वहाँ पे रूममेट था उसको बोला कि यार ये किस सिरप है वो हमारे कार्टून में देख और ये प्लीज़ तू डॉक्टर को दे के आ। वो गया उस टाइम पे, वो डॉक्टर को दे के आया, वो डॉक्टर इतने इम्प्रेस हुए मेरे से, इतने इम्प्रेस हुए कि जब मैंने कंपनी छोड़ी थी तो अकेले डॉक्टर बिना एक्टिविटी के मेरा 1 लाख रुपये महीने का लिखते थे दोस्तों। तो ऐसा रिलेशन होते हैं आपके, ऐसे ये टाइम मिलता है हमें बनाने के लिए। और आज भी जाता हूँ ना, मैंने वहाँ पे कभी विजुलेट ओपन नहीं करा, आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, 2-3 दिन में बात हो जाती है। उसके बाद में जब भी जाता था डॉक्टर कॉल पे तो उनको एक्स्ट्रा सैंपल दे आता था कि सर ये रखिए, कभी अर्जेंट आपको नीड हो, घर पे नीड हो तो आप इसको रखिए ये सैंपल। तो मैं वहाँ पे उनका स्टॉक कम नहीं होने देता था। तो ये है ना ट्रिक्स रहती दोस्तों, ये मैंने अपने से डेवलप करी, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। डॉक्टर अगर कुछ बोल रहा है ना, प्लीज़ भाई कभी भी डॉक्टर की बातों को इग्नोर मत करना क्योंकि डॉक्टर बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत कम लोगों से कुछ बोलते हैं। अगर आपको कुछ बोला है ना, प्लीज़ 100% करिए, उस पर 100% काम करिए जब तक कि वो फिनिश नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी हमें चेक करते कि ये कितना काम करेगा मेरे लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई ध्यान में रखो, पहला आप समझ गए डॉक्टर रिलेशन, और सेकंड डॉक्टर को कोई भी नीड हो, सैंपल वगैरह कुछ भी कहीं नीड हो ना, तो आपको वहाँ पर काम करना है ज़रूर। एक चीज़ दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी फ्रिक्वेंसी, विजिट फ्रिक्वेंसी। देखो विजिट फ्रिक्वेंसी आपकी जो कंपनी बोल रही है वो तो होना चाहिए, बाकी अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छे रिलेशन में बहुत अच्छी आपसे बात कर रहा है तो आपको वहाँ पे और भी मिलना है। बाकी जब कंपनी के लिए जाओ तभी आपको वहाँ पे बात करना है। भाई 2 बार कंपनी के लिए जा रहे हो ना, तभी आपको प्रोडक्ट की बात करना है, सुबह रिमाइंडर वगैरह डालना है, जो भी आपका प्रोसेस हो वो करना है। बाकी आप जब नॉर्मल डॉक्टर से मिलने कहीं जा रहे हो, डॉक्टर के पास बैठे हो, तब आपको ब्रांड की बात बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। इससे डॉक्टर को ये लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ बिजनेस के लिए मेरे पास आता है। अगर नॉर्मल बात आप करोगे तो डॉक्टर को ये फील होगा यार ये बंदा एक्चुअल है, इसको एकदम रिलेशन पे काम करता है। तो वो जब आपका रिलेशन जनरेट हो जाएगा ना, तो प्रिस्क्रिप्शन तो यू जनरेट होगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखें कि जब भी जाए तब भी हर बार प्रोडक्ट की बात नहीं करना है, हमेशा फेस वैल्यू बनाओ, डॉक्टर के पास बैठो, उन्हें टाइम दो, है ना, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखें। एक होता है भाई सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप सोशल मीडिया से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे फेसबुक वगैरह हो गए, व्हाट्सअप वगैरह हो गए, यहाँ पे कुछ अच्छे मैसेज वगैरह आए तो उनको फॉरवर्ड कर दो, डॉक्टर्स डे वगैरह जो भी आता है, जैसे अभी 1 तारीख को डॉक्टर डे, वहाँ पे आप विश कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आती है ना वहाँ पे उन्हें क्या करो, विश करो, साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ उनसे। इससे क्या रहेगा, जैसे फेसबुक पे आप कनेक्ट हो गए तो उनके यहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है वो आपको थोड़े नॉलेज में रहेगी, डॉक्टर कहाँ पे जा रहा है, घर पे क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है हल्का फुल्का आपको आइडिया हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, अगली बार जब आप कॉल करने जाओगे तो आप पूछ सकते हो सर आप कहाँ पे घूमने गए थे, आपका फोटो काफ़ी अच्छा था। इस तरीके से जब धीरे धीरे आप बात करोगे ना तो बहुत स्ट्रांग रिलेशन डेवलप होगा दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट रहना, इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप भी जब कुछ अपडेट करोगे सोशल मीडिया पर तो डॉक्टर को भी दिखेगा और आपका नाम डॉक्टर बार बार दिखेगा, इससे डॉक्टर को आपका नाम याद हो जाएगा। डॉक्टर का और डॉक्टर को आपका नाम याद होना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है दोस्तों आज के टाइम में, क्योंकि इतने सारे मेडिकल रेप्स काम करते हैं, उसमें हमारा नाम डॉक्टर को याद होना यार बहुत एक अलग ही बात हो जाती है। एक हम सबसे लास्ट में बात करते हैं, देखो डॉक्टर रिलेशन में कोई एंडिंग नहीं होती है, अगर फिर भी हम लास्ट में बात करें तो और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है, वो आ जाएगी दोस्तों कि आपको लास्ट कॉल से कनेक्ट करना है। अभी लास्ट कॉल कैसे, जैसे पहला कॉल आप करके गए 1 तारीख को, तो 1 तारीख को क्या बात हुई, आपकी ब्रांड के रिलेटेड बात हो, नॉर्मल क्या बात हुई, डॉक्टर बोले यार मुझे ये करना है अभी नेक्स्ट वीक, मेरा ये प्लान है यार मैं जाऊँगा। तो अगली विजिट जब आप करो ना तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे डॉक्टर से क्या बात हुई थी, और आप वहीं से आपका कॉल स्टार्ट करोगे दोस्तों। फिर आप बात भी करोगे सर वो आपने बोला था उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ, ऐसे जब आप बात करोगे ना तो धीरे धीरे डॉक्टर आप
से आपका रिलेशन बनेंगे, और जब रिलेशन एक बार बन जाएंगे ना तो आपको ये हमेशा काम देंगे, आपको इंसेंटिव अर्न करने में, आपको प्रमोशन लेने में, आपको ग्रोथ लेने में, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपको कंपनी। ये डॉक्टर रिलेशन सब कुछ होता है इस फील्ड में दोस्तों। डॉक्टर रिलेशन है तो सब कुछ है, डॉक्टर रिलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मान के चलिए दोस्तों डॉक्टर रिलेशन का ये तो हमारा पहला वीडियो था, डॉक्टर रिलेशन यहीं पर एंड नहीं होता है। डॉक्टर रिलेशन पर 100 वीडियो भी अगर मैं बना दूँ ना तो भी कम है, क्योंकि ये तो मैंने बताया है आपको करना, काम कैसे करना है उस पर, कैसे बनाना है। भाई पहली बार जाके तो आप डॉक्टर से ऐसे रिलेशन नहीं बना पाओगे ना, सारी चीजें तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलोअप आपको करना है। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ना डॉक्टर रिलेशन के लिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें कम से कम में 10 वीडियो तो लगेंगे। अगर मैं कम से कम भी बनाऊं, अगर ज्यादा से ज्यादा बनाऊं तो बहुत सारे बन जाते हैं, पर मैं उसको कंट्रोल करके कम से कम बनाऊंगा ना तो वहां पर 10 वीडियो बनेंगे दोस्तों। तो अगर आपको चाहिए वो सीरीज तो प्लीज कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।